तो आखिर रेसलमेनिया 38 के बाद WWE कौन सा बड़ा टाइटल मैच प्लान करेगी रेसलमेनिया बैकलैश पेपरव्यू में, इसके रिगार्डिंग गाइस काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके अलावा गाइस आपको एक सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 38 में, और भी गाइस काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइस सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं वीर महान से। तो आप सब जानते हैं काफी लंबे टाइम से फैंस वेट कर रहे थे कि वीर महान कब आएंगे मंडे नाइट रॉ पर। तो गाइस आज मंडे नाइट रॉ पर WWE ने वीर महान की रिटर्न डेट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, जहां पर गाइस 4 अप्रैल को आपको वीर महान मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलेंगे और फाइनली फैंस का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा गाइस रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का भी फेस ऑफ सेगमेंट हमें मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिलेगा, और रेसलमेनिया से पहले जो आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा उसे WWE काफी ग्रैंड एपिसोड बनाना चाहती है, इसलिए रोमन एंड ब्रॉक हमें रॉ पर नजर आएंगे। इसके अलावा गाइस हम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन केविन ओवेंस का सेगमेंट होगा रेसलमेनिया में, लेकिन अभी तक हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन मंडे नाइट रॉ पर देखने को नहीं मिले। काफी फैंस का सामना था कि अब WWE स्टोन कोल्ड को भी मंडे नाइट रॉ पर यूज करेगी, लेकिन गाइस जो करंट अपडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन सीधा आपको अब रेसलमेनिया में ही देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर WWE कोई सरप्राइज रिटर्न करवा दे नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल के हिसाब से ये लग रहा है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आपको सीधा रेसलमेनिया में देखने को मिलेंगे। अब गाइस हम अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस ये वो सरप्राइज रिटर्न से जुड़ी है जो कि आपको रेसलमेनिया 38 में देखने को मिलेगा। तो गाइस आज मंडे नाइट रॉ पर आपने देखा होगा कि कैसे ओमोस ने एक ओपन चैलेंज रख दिया है और WWE ने उनका अपोनेंट अनाउंस नहीं किया है, और गाइस उसके बाद फाइटफुल की तरफ से ये अपडेट आई है कि ओमोस का हमें रेसलमेनिया 38 में मैच देखने को मिलेगा और उनके अपोनेंट कोई नहीं बल्कि फॉर्मर WWE चैंपियन बॉबी लैशली होने वाले हैं। जी हां, बॉबी लैशली का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, और मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि बॉबी लैशली काफ़ी तगड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो रेसलमेनिया में आ सके, और ऐसा लग रहा है कि बॉबी लैशली बहुत जल्दी रिटर्न कर लेंगे और रेसलमेनिया 38 में वो रिटर्न करेंगे और फेस करेंगे ओमोस को। अब गाइस हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि गाइस जुड़ी है कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कैसे WWE एक काफी बड़ा मैच प्लान कर रही है रेसलमेनिया बैकलैश के लिए, और गाइस रिसेंटली डेव मेल्ज़र ने ये बताया कि सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के मैच को जो भी विनर होगा वो फेस करेगा रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के विनर को, यानी एक काफी बड़ा टाइटल मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया बैकलैश में। मानो अगर सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को हरा देते हैं तो हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया बैकलैश में, और वो चैलेंज करेंगे रोमन एंड ब्रॉक में से किसी एक को, या फिर अगर कोडी रोड्स जीत जाते हैं तो वो फिर रोमन एंड ब्रॉक में से किसी एक को चैलेंज करेंगे, या फिर WWE हो सकता है फैटल फोर वे मैच या फिर ट्रिपल थ्रेट मैच टाइप हमें दिखा दे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भी रेसलमेनिया बैकलैश के लिए एडवर्टाइज हैं। तो ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है कि उनकी स्टोरीलाइन हमें कहीं ना कहीं रोमन रेंस के साथ कंटिन्यू होती नजर आ सकती है, या फिर WWE कुछ अलग भी प्लान कर सकती है। लेकिन फिलहाल ये कुछ अपडेट है जो कि रेसलमेनिया बैकलैश से जुड़ी है, और गाइस बस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना तो कहीं मत जाना, और साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।